नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव एक बार फिर से आपका एडम ज्वेलरी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, कुछ फायर पोर्ट्स पानी के अंदर गिर रहे हैं, तो हम आपको उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि ये आखिर क्या चीज़ है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, ये हमारे पास कुछ स्क्रैप पड़ी हुई थी पीतल की, और इसको हम लोग आज ग्रेन बनाने वाले हैं। लेकिन बड़े बड़े जो टुकड़े हमारे पास पीतल के पड़े हुए हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना जरूरी है, क्योंकि वो क्रूसिबल में अदरवाइज ऐसे आएगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। उस टुकड़ों को जो काटी हुई ब्रास है, इस मेल्टिंग फर्नेस में लोड करेंगे। ये हमारा मेल्टिंग फर्नेस है। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये इसमें एक ग्रेफाइट का क्रूसिबल है, जिसमें हम लोग ब्रास को मेल्ट करेंगे ग्रेन बनाने के लिए। इसमें हम लोग एक साथ आधा किलो के करीब एक साथ मेल्ट कर सकते हैं ब्रास को। इसको चालू कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। ये MCB है इसका, इसको सबसे पहले ऑन करना है, जिसको ऑन ऑफ करने के लिए है। इससे हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेल्टिंग फर्नेस। इसमें आप देख रहे हो पॉइंट्स, हमने जो ऑलरेडी यहाँ पे टेम्परेचर सेट किया हुआ है 1150 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर जो 570 डिग्री जो सेल्सियस है, वो हमारा करंट टेम्परेचर है इसका। अगर सेट करना है तो हम लोग उसको सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो ऊपर 1150 है, उसको जैसे कि हम सुई इधर से कम कर सकते हैं नीचे डाउन एरो से। अगर अप करना है तो अप एरो से इसको हम लोग सेट कर सकते हैं 1150 पे। नॉर्मली हम लोग 1150 टेम्परेचर रखते हैं मेल्ट करने के लिए चांदी को और पीतल को, वो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। और ये हमने फाइनल कर दिया इसको, जो कि हमारा नीचे जो आ रहा है ये हमने सेट किया टेम्परेचर आ गया, और ऊपर ये करंट टेम्परेचर है। अभी हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊपर, देखिए इनका हमारा करंट फ्लो कर रहा है और हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। और हम लोग इसमें देखिए अपना मेटल लोड कर रहे हैं, जितना भी ब्रास का स्क्रैप था कट करके इसके अंदर हमने डाल दिया, और ये कुछ ही टाइम के बाद में मेल्ट हो जाएगा और हम लोग ग्रेन ही बनाएंगे। जैसे ही मेल्ट होता रहे उसमें थोड़ा और डालते रहिए, और इसको अच्छे से हिलाना है इसके अंदर सुहागा डाल के। ये हमारे ग्रेफाइट रोड है, इसको हिलाते रहिए जैसे कि प्रॉपर मिक्स हो जाए इसके अंदर, वो मेटल लम्प्स नहीं रहना चाहिए। जो गैस निकल रही है ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ये इसमें जिंक जो है मेल्ट होके हवा हो रहा है, गैस बन रही है। ये ध्यान रखिए कि ये फ्यूम्स को आपको इनहेल नहीं करना है। अब हम इसको पानी में डालेंगे। ये देखिए कैसे इसमें मेटल गिर रहा है, बिल्कुल फायर बॉल्स के जैसे नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए सारा का सारा मेटल हमारा पानी के अंदर सेटल हो गया है, और अब हम इस पानी में से उस मेटल को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये जितना भी ब्रास था हमारा, ये ग्रेन के रूप में आ गया। पहले क्या थे, बड़े बड़े प्लेट्स थी, उनको हमने काट के छोटा छोटा करके मेल्ट किया, और मेल्टिंग को पानी में डाल दिया घूमते हुए पानी में, और ये हमारा ब्रास का ग्रेन तैयार हो गया है। इसको हम लोग आगे किसी भी प्रयोग में ला सकते हैं। अगर हमारा कोई कास्टिंग होगा या कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना होगा तो हम इसको ग्रेन को यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। अभी जो ग्रेन हमने पानी से निकाला है, हमें इसको पिकल करना है, यानी कि इसको तेजाब से साफ करना है, जिससे कि अंदर इसके कोई भी ऑक्साइड्स हैं, फायर स्केल्स हैं, गंदगी है, वो साफ हो जाए। अब इसको हम लोगों को एसिड में डालना है। ये हमारा एसिड रखा हुआ है, इसको हम लोग पिकलिंग बात बोलते हैं।
इसमें हमें इसको कुछ देर के लिए छोड़ना है जिससे कि इसके सारे ऑक्साइड ख़त्म हो जाए और मेटल हमारा साफ हो जाए यूज करने के लिए। जो बाथ का टेम्परेचर है वो हमें 70 से 80 डिग्री करीब रखना है और मेटल को आपको हिलाना है। जो आप रोड देख रहे हो ये क्रिस्टल की रोड है हमारे पास में, इससे हम इसको हिला रहे हैं। हाथ नहीं डालना क्योंकि गर्म होता है और उसमें एसिड होता है स्टेसोफोर, तो सेफ्टी बरतें। ये देखें उबल रहा है वो प्रॉपर। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे और साफ पानी में रख देंगे इसको, जिससे कि इसका एसिड का असर ख़त्म हो जाए। ये हमने यहाँ पे डिस्टिल वाटर लिया हुआ है जिससे कि हमारा मेटल क्लीन हो जाए प्रॉपर, एसिड का असर ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमने इस मेटल को पिकलिंग करके साफ करके सुखा लिया है, कितने अच्छे ग्रेन बने हैं। इसको आप जब दोबारा मेल्ट करोगे किसी काम में लेने के लिए, मैलेबिलिटी अच्छी आएगी, डक्टिलिटी अच्छी आएगी, कलर अच्छा आएगा आपका।